देख रहे यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय महाजन सभा जम्मू में मौजूद है और आपको बता दें अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है जोरों से जो है यात्री जो है अमरनाथ यात्रा के लिए जो प्रस्थान कर रहे हैं। आज की भी बात की जाए तो आज जम्मू बेस कैंप से हजारों की संख्या में जो है जत्था जो है यात्रियों का रवाना किया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए लंगर्स की तो अलग अलग जगह जो है यात्री के लिए लंगर जो है लगाए गए हैं। वहीं पर अगर महाजन सभा की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से जो है जब से अमरनाथ यात्रा शुभ आरंभ हुआ है अमरनाथ यात्रा का, तब से ही इस तरह के लंगर की सुविधाएं जो है वो दी जा रही है। वहीं पर अगर इनकी बात की जाए तो सुबह से यहाँ पर आए होते हैं, लंगर की तैयारियाँ करते हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहोगे, कितना मुश्किल रह रहा है आपके लिए? हमारे मैं बलबीर कुमार गुप्ता लंगर इंचार्ज, सुबह हम 6 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे घर जाते हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब कि हमें सपोर्ट हो रही है। दिन ब दिन हमारा लंगर बढ़ता जा रहा है। कितने सालों से लंगर लगा रहे हैं? हमें हर साल लंगर लगा, 2 साल कोरोना के टाइम पे हम नहीं थे, लंगर ही लगे तो हमने कहा होना था। उसके पहले 5-7 साल से हम लंगर लगा रहे हैं। महाजन सभा मतलब रोज सुबह 6 बजे चाय और बिस्कुट वगैरह देते हैं और 9:30 बजे के करीब हम लंगर खोल देते हैं। क्योंकि कितनी खुशी मिलती है इनकी सेवा करके? बहुत खुशी मिलती है हमें, हमें बर्तन साफ करने की खुशी मिलती है, गिलास साफ करने की खुशी मिलती है। ये तो एक बापू मतलब के सेवा करने का मौका मिलता है, ये हर इंसान को नहीं मिलता है। जो हमें भगवान ने दिया है उसको बड़ी अच्छे से हम प्रिग्ले कर रहे हैं। जितने श्रद्धालु उत्साहित है अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, उतने ही उत्साहित से आप भी सेवा कर रहे हैं? हाँ, ये भगवान की कृपा है भोलेनाथ की, तो मौका मिला है और हमें खुशी होती है कि बाहर के लोगों से भी मेल होता है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। कितने सालों से सेवा कर रहे हैं आप? ये जब से लंगर लगे हुए हैं, ये कोरोना की वजह से बंद रहा था, उससे पहले लगते रहे तो हम भी। हमारे साथ यहाँ पर टीम जो है मौजूद है, उनसे जानेंगे यात्रियों की बात की जाए तो किस तरह की परेशानी आपको लगता है यात्रियों को आती है? यात्रियों को यहाँ जम्मू में तो वैसे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जम्मू के लोग जो हैं वो सेवा भाव से काम करते हैं। जैसे हमारी महाजन सभा ने भी यहाँ लंगर लगाए हुए, पिछले 10-15 साल से हम लगातार लंगर लगा रहे हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। लेकिन जम्मू के लोग जो हैं वो हर जगह जो है लंगर लगा रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि जो लोग हमारे पास यहाँ आते हैं हमें बहुत खुशी होती है उनके आने से। कितने लोगों का लंगर जो है यहाँ रोज तकरीबन 800-900 हज़ार के करीब आते हैं श्रद्धालु, जो भगत आते हैं वो खा के जाते हैं सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक। हमारी महाजन सभा जो है पिछले 10-12 साल से जो है हर साल लंगर लगा रही है और किसी तरह की हमें कमी नहीं है। ये 28 जून से स्टार्ट हुआ था, 11 अगस्त टिल द एंड ऑफ द यात्रा ये हमारा लंगर चलेगा। और मेरे ख्याल में जिस हिसाब से श्रद्धा से यहाँ पे श्रद्धालु यात्री आ रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छी भावना से हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। कितनी खुशी आपको भी मिल रही है? बहुत खुशी हो रही है, हम 7:30 के यहाँ शुरू हुआ है लंगर और जितने लोग आ रहे हैं श्रद्धालु आज भी तकरीबन हमारा एस्टीमेट है 1000 का क्रॉस कर जाएंगे। मैं मैरिज ब्यूरो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ महाजन सभा में हूँ, जब से यात्रा शुरू हुई है हम तब से सेवा भाव में लगे हुए। लगातार अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था रवाना हो रहा है और खराब मौसम के कारण बीच में यात्रा जो है स्थगित भी की जाती है। वहीं पर अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जितने भी यहां पर श्रद्धालु आए हैं अपनी रजिस्ट्रेशन यहां पर करवा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका बारी आएगी, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। यहाँ पर लंगर की सुविधाएँ से देखा जाए तो यहाँ पर सुविधाएँ जो है वो दी गई है और हज़ारों की संख्या में यात्री जो है यहाँ पर यहाँ का लंगर खाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं जयपुर आमेर से। आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? जी। कितनी खुशी है आपको वहाँ पे जाने? बहुत। तो किस तरह की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे दी गई? नहीं, अच्छे दे रहे हैं, खाना टाइम से मिल रहा है? बिल्कुल। तो और भी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े से बात करते हैं, कहाँ से आए आप? जयपुर से। जयपुर से आए, कितनी खुशी है आपको बाबा बर्फानी की? हाँ, बहुत खुशी है। तो किस तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज दी गई है? बहुत अच्छी है, सारा कुछ अच्छे से हो, सब अच्छा हो गया। क्या कहना चाहोगे जब वहाँ पर जाओगे? वहाँ पर बाबा के दरबार में जाना है अपने को? कितनी बार जा चुके हैं अभी? आप पहली बार जा रही हैं मैडम? पहली बार। चलो, कुछ यात्री जो है वो पहली बार जा रहे हैं और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हर हर महादेव बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी हर हर महादेव बोलेंगे। कितनी खुशी है आप जा? बहुत खुशी है, सालों से जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हमें। कुछ डर तो नहीं है क्योंकि उस वहाँ पर जिस तरह का इंसिडेंट हुआ उसके बाद कोई डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है मैडम, जाएंगे तो भगवान के द्वारे जाएंगे, आगे पीछे कभी जाना है तो हमें जाना ही है। लंगर की सारी सुविधा आपको दी? जी 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 सर।
यहाँ पर बड़े सारे श्रद्धालु जो है जो लंगर का जो प्रसाद भी खा रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। इनको इंतज़ार है कब इनकी रजिस्ट्रेशन होगी, कब ये बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। वहीं पर अगर बात की जाए आज की, तो आज हज़ारों की संख्या में जो है अमरनाथ यात्रा के लिए, जो कश्मीर घाटी के लिए जत्था रवाना हुआ। हम यही उम्मीद करते हैं कि कुशल मंगल जो है उनकी सभी की यात्रा जो है सफल होगी। अगले लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।